दूसरा मैच केकेआर महीन वर्सेस स्पोर्ट्स क्लब जालंधर के दरमियान खेला जाना हो। जी आगे सामने और ये तीन बाले 16 रन बर्दाश्त करते हैं और दो बाले 16 रन तो निश्चित है और ये बोल कर दिया। चलिए ये कहानी खत्म हुई। नौवां मैच केकेआर और स्पोर्ट्स क्लब जालंधर के दरमियान खेला गया तो केकेआर ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्होंने 20 ओवर में 120 रन बनाए जिसमें 20 ओवर में 106 रन पे ऑल आउट हो गई। आदित्य ने जालंधर की तरफ से आदित्य ने 33 रन बनाए, 36 बालों का सामना किया। वो नुमाया बल्लेबाज रहे जिसमें दो चौके शामिल थे। मानव ने 30 रन बनाए, 33 बालों का सामना किया जिसमें तीन चौके शामिल थे। केकेआर की तरफ से दमनप्रीत ने 4 ओवर किए, 10 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। अंकुश बंदराल ने 4 ओवर किए, 14 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। बहुत सारी तालियां अंकुश बंदराल के लिए। अंकुश जी, लग रहा था कि शायद आप बैटिंग के मामले में थोड़े से ढीले पन में थे, लेकिन जब आपने गेंद शिकंजा कस लिया तो आपने क्या प्लानिंग की थी आज उनको इसमें किस तरह से उनको? सर, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा कठुआ का क्राउड को जो मेरे को 7-8 साल से ऐसे ही दिल खोल के सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोकल कठुआ का क्राउड हो। तो मैं यहाँ पे अपने होम की तरह मानता हूँ। मैंने यहाँ छोटा था तब से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर मिश्रा सर आए, उनके साथ खेलते रहे, सब बबलू भाई थे। मैच पे ये बोलूंगा कि थैंक्स टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा विकेट बनाया इस बार पिछले साल से। और बाकी ये टीम एफर्ट है। हाँ, मैं थोड़ा स्लो खेला क्योंकि मुझे पता था जैसा विकेट खेल रहा है हमें लास्ट तक खेलना है। 120 रन मुझे पता है, 120-130 रन हम डिफेंड कर लेंगे। और सच बताऊं तो कल वाली हार हमें खाना भी खाया हमने रात को, जो जीता वो नाच हमारे हैं। तो बॉयज को मैंने यही बोला, लड़कों को मैं लीड कर रहा था इनको, मैंने यही बोला कि भाई हम कल वाला मैच जीते हैं। ये सोचो, एक कैच एक गंदा ओवर वो आप प्लेयर को दिखाता, आपने अच्छा क्रिकेट खेला कल। जितने भी लोग हमें मिले उन सब ने यही बोला कि आप जीते हो, तो कॉन्फिडेंट की बात है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि जीते हारे वो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, पर हमेशा जब हम केकेआर अंदर खेलेगी तो आप लोगों को अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द मुकाबला है वो है एलवी शास्त्री दिल्ली और स्पोर्ट्स क्लब जालंधर के दरमियान में।